हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिड वर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम सॉलिड वर्क में सिट्रस जूसर को बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। स्केच, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है 230, और ये ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है 30 mm। इस लाइन की जो डायमेंशन है वो है 138 mm। और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है 125 mm सिलेक्ट। यहाँ से अब हम स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम एक स्प्लाइन ड्रॉ करेंगे सिलेक्ट। स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम 68 डिग्री डायमेंशन देंगे। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन है 78 डिग्री सिलेक्ट। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा ड्रॉ होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी स्प्लाइन ड्रॉ होगी। हम एग्जिट स्केच करेंगे और रिवॉल्व बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन में हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। स्केच नॉर्मल, यहाँ से हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। और यहाँ से हम इस आर्क को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें टेंजेंट रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन, ये लाइन की जो लेंथ है वो है हमारी 5 mm। इसे हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इस कोइंसाइड रिलेशन को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 20 mm। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 25 mm। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम मर्ज पॉइंट का रिलेशन देंगे। ओके, यहाँ पर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज पॉइंट का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, ये हमारा 5 mm। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आर्क ड्रॉ होगा। तो अब हम यहाँ पर सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, रिवॉल्व बॉस बेस कमांड में जाएंगे, इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। स्केच नॉर्मल, लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये हमारी इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ होगी। इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे। इन दोनों लाइंस में हम पैरेलल रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो डायमेंशन है वो है 5 mm। इस लाइन की डायमेंशन है 20 mm। इस लाइन की डायमेंशन है 50 mm। और इस लाइन की भी हाइट है 50 mm।
यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है वो है 5 mm, इन दोनों लाइनों के बीच का गैप भी 5 mm है, और इस लाइन की जो डायमेंशन है वो है 150 mm। सिलेक्ट इसे हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इस लाइन की जो डायमेंशन है वो है 30 mm। तो हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। यहाँ से हम एक सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से एक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, रिवॉल्व बॉस बेस कमांड में जाएंगे और इस तरीके से हमारा रिवॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसका इस पॉइंट की जो डायमेंशन है ये हम मेक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन, ये डायमेंशन है हमारी 60 mm, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है 125 mm है। एग्जिट स्केच करेंगे आइसोमेट्रिक। यहाँ से अब हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। इस लाइन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी। ओके, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ट्रिम एंटिटी, और यहाँ पर इसे ट्रिम कर देंगे और इस लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर अब हम इस सर्कल और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मेक पियर्स। तो यहाँ पर अब हम एग्जिट स्केच करेंगे, स्वीप कट कमांड में जाएंगे और प्रोफाइल हमारी ये है और पाथ हमारा ये है। तो इस तरीके से हमारा ये कट हो जाएगा। यहाँ पर हम ओके करेंगे और यहाँ पर हम सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाएंगे। पैरामीटर्स में हम इस आउटर सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे और फीचर टू पैटर्न में हम इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 13 नंबर चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फ्रंट सॉरी टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन 170x10 का हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वर्टिकल रिलेशन देंगे और स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है सेंटर पॉइंट की वो है 210 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम थ्रू ऑल सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। पैरामीटर्स में हमें इस सरफेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें 24 नंबर्स इंस्टेंस चाहिए। ओके, तो इस तरीके का हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे, फिलेट एक्सपर्ट, 2 mm फिलेट। इस एज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कनेक्टेड टू शार्प लूप, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फिलेट ड्रॉ हो जाएगा। अब हम फिर से फिलेट कमांड में जाएंगे, 18 mm का हमें फिलेट लेना है, इस एज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा फिलेट का प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये फिलेट भी ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा अब ये सिट्रस जूसर बन के तैयार है। अब हम इसका अपेरेंस चेंज करेंगे। अपेरेंस में यहाँ पर हम प्लास्टिक में जाएंगे, हाई ग्लोस प्लास्टिक, और इस येलो हाई ग्लोस प्लास्टिक को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा सिट्रस जूसर ये बन के तैयार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।